तो मूवी की शुरुआत में हम एक राक्षस को देखते हैं। उसका नाम होता है श्रेक। वो अकेला रहता है। रात को कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग उनके फेरी टेल्स क्रिएचर्स को सिपाहियों को बेच रहे होते हैं। वहीं पे एक लेडी एक गधे को लाई होती है। वो गधा बोल सकता था, लेकिन वो गधा सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता है, जिससे कि सिपाही उस लेडी को पकड़ लेते हैं। तभी गलती से एक फेरी की डस्ट गधे के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो उड़ने लगता है और बात करने लगता है, लेकिन उसका मैजिक खत्म हो जाता है और वो डोंकी नीचे गिर जाता है। सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो श्रेक से टकराता है। वहीं पे सिपाही पहुँच जाते हैं, लेकिन वो श्रेक से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। श्रेक उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन डोंकी उसके पीछे लग जाता है। वो डोंकी बहुत बोलता था, इसलिए श्रेक परेशान हो जाता है। श्रेक उसे कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो डोंकी कहता है, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों श्रेक के घर पहुँच जाते हैं। डोंकी उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन श्रेक उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। रात को श्रेक देखता है उसके दलदल में, यानी उसके घर के पास बहुत सारे फेरी टेल्स क्रिएचर्स रहने आ जाते हैं। वो सभी कहते हैं, राजा फारकुआट ने हमें वहाँ से निकाल दिया। फारकुआट का पता डोंकी को होता है, इसलिए श्रेक डोंकी के साथ फारकुआट के महल की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में हम फारकुआट को देखते हैं। एक जादुई आईना उसे कहता है, आप राजा नहीं हैं, पर आप एक राजकुमारी से शादी करके राजा बन सकते हैं। वो आईना उन्हें तीन राजकुमारी को दिखाता है, लेकिन फारकुआट राजकुमारी फ्योना को चुनता है। अगली सुबह फारकुआट किसी को भेजने वाला होता है, क्योंकि फ्योना एक ड्रैगन के कैद में होती है। वहीं पे श्रेक और डोंकी पहुंच जाते हैं। फारकुआट सिपाहियों से श्रेक को मारने के लिए कहता है, लेकिन श्रेक और डोंकी उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। श्रेक फारकुआट से फेरी टेल्स क्रिएचर्स को उसके दलदल से हटाने को कहता है। फारकुआट उसे कहता है, तुम राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ और तुम्हारा दलदल तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक चलने के बाद वो उस किले के पास पहुँच जाते हैं। किले के सबसे ऊपर वाले कमरे में राजकुमारी होती है। वो दोनों उस ब्रिज को पार करके किले के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे ड्रैगन उन्हें देख लेती है। श्रेक उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। ड्रैगन उसे फेंक देती है, जिससे कि श्रेक राजकुमारी के कमरे में जाकर गिरता है। डोंकी उसके बातों से ड्रैगन को इम्प्रेस कर लेता है। दूसरी तरफ श्रेक राजकुमारी को चलने के लिए कहता है। राजकुमारी उसे कहती है, यह हमारी पहली मुलाकात है और ये एक रोमांटिक पल होना चाहिए। इसके बाद श्रेक फ्योना और डोंकी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन एक जंजीर की वजह से ड्रैगन वहीं पर अटक जाती है। राजकुमारी श्रेक से उसका चेहरा दिखाने के लिए कहती है। उसे देखकर राजकुमारी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उसे एक योद्धा समझ रही होती है। श्रेक उसे कहता है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे राजा फारकुआट ने भेजा था, वहीं तुमसे शादी करना चाहता है। फिर वो तीनों आगे जाते हुए एक जगह पर रुकते हैं। फ्योना एक गुफा के अंदर सोने चली जाती है और ये दोनों बाहर सोकर बातें करने लगते हैं। अगली सुबह वो तीनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी रॉबिन हुड राजकुमारी को पकड़ लेता है और वहीं पे उसके साथी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन राजकुमारी उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर हम देखते हैं श्रेक और राजकुमारी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब शाम होने लगती है और राजकुमारी फिर से एक घर के अंदर सोने चली जाती है। रात को डोंकी उस घर के अंदर चला जाता है और वो एक ऑगर को देखता है। वो जान पाता है वो ऑगर ही राजकुमारी है। फ्योना उसे बताती है, जब मैं छोटी थी तब एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था, इसलिए मैं रात को एक ऑगर बन जाती हूँ। मुझे एक मीनार पर रखा गया ताकि मेरा सच्चा प्यार आकर मुझे बचा सके, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार का पहला किस इस जादू को ख़त्म कर सकता है। यह बात सुनकर डोंकी उसे श्रेक के साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी उसे कहती है, किसी बदसूरत जानवर से कौन प्यार करेगा, इसलिए मैं श्रेक के साथ नहीं रह सकती। दरअसल राजकुमारी अपनी बात कर रही होती है। वहीं पे श्रेक उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे लगता है राजकुमारी उसके बारे में बात कर रही है, जिससे कि वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राजकुमारी उसकी असली रूप में आती है। श्रेक उसके ऊपर गुस्सा होता है। वहीं पे फारकुआट पहुँच जाता है। वो फ्योना से शादी के लिए हाथ मांगता है। फारकुआट कहता है,
कल शादी होगी, लेकिन फियोना उसे कहती है क्यों ना हम आज ही शादी कर लें सूरज डूबने से पहले। फारक्वार्ड उसका बात मान जाता है। श्रेक गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। डोंकी उसे कहता है कल रात वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। तभी वो ड्रैगन आ जाती है और वो तीनों महल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद श्रेक फियोना के पास पहुँच जाता है। वो देखता है उन दोनों की शादी हो रही होती है। फारक्वार्ड उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब सूरज डूब जाता है जिससे कि राजकुमारी ओगर में बदल जाती है। सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। श्रेक सीटी बजाता है और ड्रैगन आकर फारक्वार्ड को खा लेती है। श्रेक फियोना को किस करता है जिससे कि मैजिक होता है, लेकिन वो फिर से इंसान में नहीं बदलती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।